अभिनंदन कीजिए माननीय श्री ओम बिरला जी। कोटा व्यापार महासंघ के द्वारा आयोजित दिवाली मिलन समारोह में आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबके जीवन में, प्रतिष्ठान में समृद्धि आए, खुशहाली आए, नई प्रगति हो, नए आयाम, नए लक्ष्यों को प्राप्त करें और आपके प्रयासों से समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन में भी उजाला हो, खुशी हो और हम सबके सामूहिकता के साथ उनके जीवन में भी दिवाली और की खुशी उल्लास ला सके। आज कोटा के व्यापारिक, औद्योगिक, कोचिंग के प्रतिनिधि यहाँ पर बैठे हुए हैं, जिन सबके प्रयासों से कोटा में अलग अलग क्षेत्रों में हमने एक विशिष्ट पहचान बनाई है, देश में बनाई है, देश के बाहर भी पहचान बनाई है और कोटा आज देश के विकास में एक तेजी से बढ़ता हुआ शहर है, जहां पर बहुत संभावनाएं हैं विस्तार की भी, इंफ्रास्ट्रक्चर की भी और देशी विदेशी पर्यटकों को लाने की भी। और इसीलिए जब हम सामूहिक रूप से बैठते हैं तो चर्चा करते हैं, चर्चा, संवाद, विचार विमर्श, सहमति असहमति, तर्क, ये हमारे लोकतंत्र की ताकत है और इसी विचार विमर्श लोक से हमने लोकतंत्र की 75 वर्ष की यात्रा के अंदर भारत में एक शक्तिशाली समृद्ध राष्ट्र बनाने की जो कल्पना हमारी की है और दिशा की ओर है। और आज पूरे देश को गर्व है कि भारत आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के हर क्षेत्र के अंदर प्रगति कर रहा है, आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है और उसके साथ साथ विश्व के देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए साथ लेके हुए भी हम किस तरीके से हमारे नए इनोवेशन, नए सोच, नए विचार के साथ दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनते जा रहे हैं। आज दुनिया के अंदर जो लोग भारत के रहते हैं उन सबको गर्व होता है भारतीय होने का, हमें भी गर्व होता है भारतीय होने का कि इतनी बड़ी विशालता, इतनी बड़ी विविधताएं, हमारी अलग अलग संस्कृति, अलग अलग भाषा, अलग अलग धर्म, शायद दुनिया का कोई लोकतंत्र देश ऐसा नहीं होगा जहां इतनी विविधताएं होंगी, इतनी संस्कृति होगी, इतनी भाषा होगी और विशेष रूप से दुनिया के सारे धर्म को समावेश और समानता को लेकर चलने वाला दुनिया के अंदर भारत एक देश है। और इस बात से हमें गर्व है कि हमने इस विशालता, विविधता और संस्कृति को एक साथ लेकर दुनिया के अंदर हम इस विशालता और विविधता ही हमारी ताकत को लेकर बढ़े। और इसी जब मैं लोकसभा के अंदर देखता हूं कि इतनी विविधताएं, बहुदलीय व्यवस्था होने के बाद भी जब देश का सवाल आता है तो सब लोग एक साथ मिलकर हमारा देश कैसे आगे बढ़े, कैसे समृद्ध हो, इसके लिए एक सार्थक चर्चा भी करते हैं, एक सार्थक संवाद भी करते हैं। हर जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्र के का विकास हो ये उसकी जिम्मेदारी बनती है, जनता उसको बहुत अपेक्षाएं, आकांक्षाओं के साथ चुनकर भेजती है
और हर जनप्रतिनिधि अपनी बात विधानसभाओं में लोकसभाओं के अंदर भी अपने अपने क्षेत्र के विकास की बातों को कहते हैं। मुझे भी आपने यहां से विधायक बनाया, सांसद बनाया, यहां की जनता का बहुत प्यार से आशीर्वाद मिला। हम यहीं पैदा हुए, यहीं छात्र जीवन बिताया, यहां सामाजिक राजनीतिक जीवन सब बताया। हमें मूल यहां की सब समस्याओं की जानकारी है और हमारी कोशिश रहती है कि जो अभाव है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, जिससे हम नए रोजगार का सृजन कर सके, हमारे व्यापारिक उद्योगों का एक आर्थिक ताकत के रूप में कोटा उभरे, इसके लिए सभी सामूहिकता के साथ प्रयास करते हैं। और मैं कह सकता हूं कि आज इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से कोटा एक मजबूत शहर बन चुका है। चाहे हम रोड कनेक्टिविटी की बात कर लें, रोड कनेक्टिविटी के मामले के अंदर हम कह सकते हैं कि देश के अंदर कोटा एक ऐसा शहर है जो हर शहरों से वेल कनेक्टेड है। आने वाले समय में जब दिल्ली बॉम्बे कॉरिडोर हमारा पूरा हो जाएगा, तो हम 4.5 घंटे में दिल्ली पहुंच जाएंगे, 8 घंटे में बॉम्बे पहुंच जाएंगे। एक नया हाईवे जो हमारा चंबल है एक्सप्रेस वे है, वो कोटा से चलता हुआ इटावा उत्तर मध्य प्रदेश से लेकर इटावा उत्तर प्रदेश तक पहुंच जाए। पहले से हमारा पोरबंदर से लेकर सिलचर तक का एक कनेक्टिविटी हमारी जुड़ी हुई है, तो हर शहर से कनेक्टिविटी हमारी बेटर है। और इसलिए हम कह सकते हैं कि कनेक्टिविटी के रूप में कोटा एक स्थापित शहर बन चुका है। केवल इस कनेक्टिविटी का लाभ हम कैसे व्यापार में, इंडस्ट्रीज में ले सकते हैं, इसकी हमें कार्य योजना बनानी है। इसी तरीके से रेल कनेक्टिविटी, क्योंकि दिल्ली बॉम्बे कॉरिडोर पर रेल कनेक्टिविटी में कोटा है, आने वाले समय के अंदर कोटा का रेलवे स्टेशन, डकनिया का रेलवे स्टेशन, जो हम सबने कल्पना की थी कि वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन होना चाहिए, 450 करोड़ रुपए की लागत से वो दोनों स्टेशन भी हो जाएंगे। और उसके साथ साथ क्योंकि माल गोडाउन भी इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में रेलगाड़ी से आवागमन होता है तो वो सस्ता पड़ता है, रोड एक्सीडेंट की भी संभावनाएं भी कम होती है, उसको लेकर मुझे लगता है कि मालगाड़ी के विस्तार के लिए भी एक व्यापक प्लान बना है कि यहां पर किस तरीके से अधिकतम रेल गुड्स चले, जिससे वस्तुओं का आवागमन सस्ता और सुलभ हो सके। आपका हमेशा मत रहता है, विशेष रूप से कोटा की बरसों से मांग है एयरपोर्ट की। त्यागी जी ने तो कहे 2012 में शंभूपुरा में एयरपोर्ट बनाई दिया था। मैं कई बार कहता हूं कि एयरपोर्ट आपकी जितनी मांग है, सबकी भावनाओं को मैं समझता हूं। और आप ये मानकर चलो कि कोटा की भावनाओं को पूरा करना मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, इसलिए मैं कभी राजनीति के उस आरोप प्रत्यारोप पर नहीं पड़ता हूं। जब इस एयरपोर्ट का सिलसिला शुरू हुआ तो सबसे पहले मेरे मन में बात थी कि एयरपोर्ट बनना चाहिए, क्योंकि एयरपोर्ट की जमीन राज्य सरकार देती है और एयरपोर्ट बनाने का काम एयरपोर्ट ऑथोरिटी भारत सरकार करती है। दोनों सरकारों में सामंजस्य रहे, दोनों सरकारें सहमत हो, तब एयरपोर्ट बनना चाहिए। मैंने राज्य के मुख्यमंत्री से बात की, राज्य के मुख्यमंत्री जी ने मुझे सकारात्मक रूप से कहा कि बिरला जी, आपके होते हुए एयरपोर्ट बन जाएगा। फिर मैंने माननीय प्रधानमंत्री से बात की कि राज्य सरकार जमीन देने को तैयार है, तो उन्होंने कहा कि मैं कोटा पहले भी आया था और उन्होंने कहा कि कोटा एयरपोर्ट बनना चाहिए, भारत सरकार की तरफ से इसका पूरा प्लान बन चुका है। और फिर मैंने केंद्रीय मंत्री से बात की कि मैंने इसके एयरपोर्ट के पूरे प्लान को आप बनाकर दे दो।
ज्योतिराज सिंधिया जी ने पूरे प्लान को बनाकर भेजा किस 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 तरीके से होंगे। अब एयरपोर्ट की जो जमीन थी वो जमीन थी फॉरेस्ट की, जिसमें 95% फॉरेस्ट था। अब 95 फॉरेस्ट की जमीन को क्लियरेंस कराना ये एक बड़ा काम था। उसके बाद जब उसके क्लियरेंस होने लगा तो अचानक पता चला कि इसको बफर जोन में ले लिया, सब कुछ क्लियरेंस के नजदीक पहुंचा तो बफर जोन में आ गया। अधिकारियों को उस समय जानकारी नहीं थी क्योंकि जो उन्होंने प्लान भेजा था उस समय बफर जोन नहीं था, और जब बफर जोन बनाया तो उन्होंने शंभूपुरा के एयरपोर्ट को भी बफर जोन में ले लिया। और आप जानते हो, सब समझदार हैं कि एक बार रिजर्व फॉरेस्ट के बफर जोन में आने से कितना निकल मुश्किल होता है। उस बफर जोन की कार्रवाई चल रही है, मुझे लगता है कि नवंबर के अंत में उसकी अंतिम औपचारिकता से इसकी स्वीकृति मिल जाएगी। उसके बाद फिर नगर विकास न्यास ने भी कुछ दिनों पहले सिद्धांत रूप से 45 करोड़ की सहमति दी है, और उसमें फिर जब एयरपोर्ट की सब उन्हें लगा तो फिर चला के उसमें हाई टेंशन लाइन है। त्यागी जी अगर बिना फॉरेस्ट की जमीन दे देते तो शायद इतना समय लगता ही नहीं, और इन्होंने भी सरकार ने भी छाट कर वो जमीन दी जहां पर 95% फॉरेस्ट है। उन्होंने कहा एक केंद्र में बैठे ही क्लियर कराते रहेंगे, पर आप निश्चित मानो राज्य सरकार का भी सकारात्मक सहयोग है, यहाँ के मंत्री जी के, यहाँ के मुख्यमंत्री जी का भी सकारात्मक सहयोग है, सबकी सकारात्मक सोच है। और मुझे अच्छा लगता है कि चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, विकास में कोई राजनीति नहीं होना चाहिए। और आप निश्चित मानो कि डे टू डे मेरा एक अधिकारी आईएएस अधिकारी इस एयरपोर्ट की मॉनिटरिंग करता है, और कोई दिन नहीं बसता जब एयरपोर्ट के मामले के अंदर चर्चा नहीं होती। और मैंने भी कई दौर की चर्चा केंद्र के मंत्री जी के साथ की, राज्य के मुख्यमंत्री से भी मैं व्यक्तिशः जब भी मिलता था जब बात करता था। अब दोनों चीजों की राज्य सरकार ने भी सहमति दे दी है, मुझे लगता है कि सकारात्मक दिशा में हो रहा है। 2023 में मुझे लगता है कि हम एयरपोर्ट की शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि मंत्री जी ने तो मुझे प्लान 2022 का दिया था लेकिन कुछ अड़चने हुई जिसके कारण नहीं हो पाए। लेकिन आप निश्चित मानो एयरपोर्ट बनेगा और अपने कार्यकाल में एयरपोर्ट बनेगा, जितना समय एयरपोर्ट बनने में लगता है उतना लगेगा। शायद मेरी इच्छा तो वो थी कि कुछ और जमीन मिल जाती तो मैं इसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट की संभावनाओं को अभी तैयार कर देता, लेकिन आप निश्चित मानो भविष्य के अंदर हम इस एयरपोर्ट के साथ साथ आने वाले समय के अंदर एक आईटी पार्क की भी हमारी योजना है, जिसको भविष्य में अमली जाना पहनाएंगे ताकि एयरपोर्ट के साथ साथ विकास की नई संभावना हो सके। लेकिन एयरपोर्ट के साथ साथ मेरे मन में दो तीन बातें हैं जिस पर अपन को विचार करना चाहिए। हमारी यहां पर जिस तरह की कनेक्टिविटी है, जिस तरीके का पानी है, जिस तरीके की बिजली है, मुझे लगता है कि हमें और संभावनाओं पर विचार करना चाहिए। और संभावना कई क्षेत्र में हो सकती है। पिछली बार मैं जब डिफेंस मिनिस्टर से मिला था तो मैंने कहा कि एक डिफेंस कॉरिडोर की संभावनाओं को कोटा में तलाशना चाहिए, इसलिए मैंने यहां पर डिफेंस एक्सपो लगाया, देश की सारी कंपनियां यहां पर आई, और किस तरीके से देश की बड़ी कंपनियां और एमएसएमई मिलकर यहां पर नया इंडस्ट्री सेक्टर को डेवलप कर सकते हैं उसकी संभावनाओं पर विचार करने का काम चल रहा है। उसी के साथ जनवरी के अंदर देश के जितने बड़े स्टार्टअप हैं, हमारे यहां पर अभी 70,000 स्टार्टअपों ने बेहतरीन काम किया है, 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न स्टार्टअप है। उन स्टार्टअपों को आप देखोगे किस तरीके से उन्होंने देश के अंदर विश्व की चुनौतियों का समाधान करने का काम हमारे नौजवानों ने। मैं जब कभी स्टार्टअप मेलों में जाता हूं तो मैं देखता हूं उनकी इनोवेशन, उनका रिसर्च। आने वाले समय में दुनिया के अंदर भारत राज करेगा तो नौजवानों की ताकत के कारण। और जब उनका रिसर्च इनोवेशन देखता हूं, हर समस्या का समाधान
उनके पास है। तो जनवरी में भी स्टार्टअप मेला लगाएंगे जिसमें देश के बड़े छोटे सभी स्टार्टअप आएंगे, ताकि यहां पर उन स्टार्टअपों को देखकर हमारे क्षेत्र का नौजवान नए स्टार्टअप की और नए स्टार्टअप के साथ छोटी इंडस्ट्री लगाने की कल्पनाओं को कर सके। इसी के साथ मैं पिछली बार गया था जब किसान मेले के अंदर, तो यहां पर किसान मेले में जाने का मेरा मकसद एक ही था कि जिस तरीके का कृषि वैज्ञानिक था और जिस तरीके के नौजवानों ने स्टार्टअप किए, मुझे लगता है कि कोटा में उसकी संभावनाएं सबसे ज्यादा है, क्योंकि कोटा एक ऐसा क्षेत्र जो एग्रीकल्चर बेस का सबसे बड़ा केंद्र है, जहां अधिकतम क्षेत्रों में पानी पहुंच चुका है। जिस क्षेत्रों में पानी नहीं पहुंचा उनकी प्रयास चल रहा है कि हर खेत तक पानी पहुंच जाए, हर घर तक पानी पहुंच जाए। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर बहुत बड़ी संभावना है और कई लोगों ने इस पे काम भी किया है, लेकिन और इसको विस्तार करने की आवश्यकता है। हम जब नए स्टार्टअपों को देखते हैं तो आने वाले समय के अंदर हम एग्रीकल्चर का एक बड़ा हब यहां पर तैयार कर सकते हैं, और इसके लिए जो भी संभावना हो सकती है आपस में बैठकर हमें विचार विमर्श करना चाहिए, क्योंकि मैं देखता हूं कई प्रदेशों के जो नौजवान हैं उनमें जो उद्यमिता की क्षमता होती है, हमारे नौजवानों में वो उद्यमिता की क्षमता पैदा करना चाहिए, और इसीलिए मैं वो नहीं देखना जाना चाहते, इसलिए मैं उनको यहां लेकर आ रहा हूं। क्योंकि मैं जब युवा मोर्चा में था, जब भी कभी असम जाता था, कलकत्ता जाता था, तो कोई कहता था चूरू परिषद, कोई पाली परिषद, कोई परिषद, तो मैंने कहा कोई हाड़ौती परिषद है क्या? उन्होंने कहा हाड़ौती का कोई आदमी नहीं रहता। मैंने पूछा भाई हाड़ौती का आदमी क्यों नहीं रहता? न देश में रहता न देश के बाहर रहता, क्योंकि हाड़ौती में पानी होने के कारण दो टाइम की रोटी का इंतजाम था, और उन सारे क्षेत्रों के अंदर ऐसी हालत थी कि दो टाइम की रोटी का इंतजाम नहीं था, उस कारण वो पलायन चल गए। तो आप भी जाते होंगे बम्बई के अंदर भी, कलकत्ता के अंदर भी, कई प्रदेशों में जाते होंगे, तो आपने देखा होगा कि वहां पर सभी जिलों के जहां पर अकाल की स्थितियां होती थी वहां पर निकली। लेकिन हमें गर्व है कि हमारे पास चंबल माँ नदी है जिसका पर्याप्त पानी है, उसकी संभावनाओं को देखते हुए हम किस तरीके से हम एग्रीकल्चर सेक्टर में, डेयरी सेक्टर के अंदर, आप कल्पना करो जैसलमेर में चले जाएं, बाड़मेर में चले जाएं, जहां पानी नहीं है वहां पर तो लोग डेयरी का प्राण लगा रहे हैं, लेकिन जहां पर चारागाह करने के लिए आदमी जैसलमेर से, बाड़मेर से, पाली से भेड़ चढ़ने कोटा में आती है, वहां हम कभी भी सोचते होते कि हमें श्वेत क्रांति का केंद्र बनाना चाहिए। अगर हम प्लान करें, आप बैठे अभी साबू जी ने प्लांट लगाया, बड़ी संभावना है डेयरी की, यहां पर जितना चारा है, जितना पानी है, कई देश के अंदर नहीं है। इन संभावनाओं पर हमें अलग अलग संभावनाओं पर काम करना चाहिए, और अलग अलग संभावनाओं पर काम करेंगे तो हम अपने कार्य क्षेत्र के विस्तार के साथ साथ लोगों को रोजगार दे पाएंगे। आज हमें खुशी है कि कोटा एक कोचिंग का हब बन चुका है, और राजेश जी ने ठीक कहा कि जब 25,000 स्टूडेंट, हमारी कल्पना 5,000 विद्यार्थियों को लाने की, क्योंकि एक विद्यार्थी आता है तो एक परिवार आता है, और परिवार आता है तो पूरे परिवार के कारण जो उपभोक्ता है, चाहे सब्जी बेचना हो, चाहे नाई हो, चाहे धोबी हो, तमाम छोटे से छोटा ऑटो रिक्शा वाला, तमाम व्यक्तियों को दो टाइम की रोटी का इंतजाम होता है। इसलिए हमारा एक बहुत बड़े सेक्टर की संभावना है एजुकेशन के बारे में भी। पिछली बार जब मैं यहां पर धर्मेंद्र प्रधान जी को मैंने आग्रह किया है कोटा आए, और उनसे कहा कि जितने नए विश्वविद्यालय भविष्य में बनने वाले हैं, चाहे केंद्रीय विश्वविद्यालय हो, चाहे कहीं भी यूनिवर्सिटी कोई आएगी, तो उसकी संभावनाओं पर उन्होंने सहमति दी है। राज्य सरकार अगर जमीन आवंटन करेगी तो हम एग्रीकल्चर सेक्टर का एक नया हब बनाना चाहते हैं। आज कोटा के अंदर आप सबके कारण एक अच्छा वातावरण है, लोगों में प्यार है, स्नेह है। हमारा शहर एक ज्वलंत शहर है, हमारा शहर सामूहिकता के साथ काम करने वाला शहर है। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, दूसरे आए बच्चों को परिवार की तरह पालना, उनको अभिभावक के रूप में प्यार देना, ये हमारी संस्कृति है। इसलिए
देश भर का यहाँ विद्यार्थी आता है, मैं देश के जिस भी से मैं जाता हूँ वह ये बात कहता है कि कोटा में एक अच्छा वातावरण है और ये अच्छा वातावरण बना रहे, ये भी हमारी जिम्मेदारी है ताकि और संभावनाओं का हम इस क्षेत्र में विस्तार कर सकें। और इसी तरीके से हम व्यापारिक लोग हैं, हमें व्यापारिक लोगों को विचार करना चाहिए कि हम अपने ट्रेड के अंदर इस प्रतिस्पर्धा वाले दुनिया के अंदर हम हमारे ट्रेड के अंदर क्यों नहीं हमारे यहाँ की जो वस्तुएं बेचते हैं उसके छोटे छोटे इंडस्ट्री लगाने का प्लान करें। आज क्यों नहीं हमारा विचार आता है कि हम सबसे बड़े व्यापारिक केंद्र बने। हाड़ौती व्यापारिक केंद्र केवल हाड़ौती का नहीं होना चाहिए। आज 2 लाख से बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं, उनको लगना चाहिए कि मुझे कपड़ा खरीदना है, गहना खरीदना है, चप्पल पहनना है, जूते पहनना है, तो मैं कोटा में जाऊं। कोटा में प्रतिस्पर्धा के रूप में सबसे सस्ती और क्वालिटी की चीज मिलती है। अगर इस तरीके से व्यापारिक लोग इस बात पर विचार करने लगे, आपको मैं सहयोग करने के लिए तैयार हूं। दुनिया के अंदर जितनी भी अच्छी कंपनियां हैं उन कंपनियों से बात करना, उनको लाना, ये मेरी जिम्मेदारी है। केवल आपको व्यापारिक रूप से बढ़ाने की आवश्यकता है। हम अपने अपने ट्रेड के अंदर विचार करें कि अपने ट्रेड की जो संभावना है उसका आने वाले समय में हम क्यों नहीं उत्पादन करना चाहते, हम क्यों नहीं यहाँ पर केवल व्यापारिक केंद्र बनना चाहते, हम इंडस्ट्री छोटी इंडस्ट्री के साथ व्यापारिक केंद्र भी बनाए और नए इनोवेशन नई सोच के साथ काम करें, तो हम बहुत बड़ा काम अपने व्यापारिक उद्योग क्षेत्र में भी कर सकते हैं। ऐसी सारी संभावनाओं पर जब दिवेली होती है मिलते हैं, बातचीत करते हैं और उसके बाद भी अलग अलग मार्केट में बैठकर हमें चर्चा करना चाहिए, संवाद करना चाहिए कि क्या क्या भविष्य की संभावना है, किस सेक्टर की इंडस्ट्रीज हम लगा सकते हैं, आपस में विचार विमर्श करेंगे तो हम नए रोजगार के अवसरों को करेंगे। निश्चित रूप से टूरिज्म बड़ा संभावना है, लेकिन टूरिज्म 2 ही सेक्टर में आता है। दुनिया के अंदर जितना भी टूरिज्म है 2 सेक्टरों के ऊपर रहा है, या तो वह मुकुंदा नेशनल पार्क की तरह टाइगर प्रोजेक्ट की ओर बढ़ता है या जल सफारी की ओर बढ़ रहा है। 2 हमारे सेक्टर हैं। मुकुंदा नेशनल पार्क में हमने कोशिश की थी, कुछ अच्छे परिणाम नहीं आए, फिर कोशिश कर रहे हैं। हम न थकते हैं न निराश होते हैं, लगातार प्रयास करते रहते हैं। फिर मैंने कोशिश की है, अनंत एक दिन बेहतर परिणाम मांगे, मुकुंदा नेशनल पार्क को हम एक बेहतरीन नेशनल पार्क बनाते हैं। तो बूंदी का हमारा पर्यटन का एक क्षेत्र है, बूंदी के अंदर और पर्यटन की संभावना है, बूंदी के अंदर पर्यटन रेल बुकेज की हमारी संभावना थी तो हमने उस पर विचार किया। वहाँ किले बावड़िया हैं, उनके लिए किस तरीके सौंदर्यीकरण उस पर विचार किया। केसाय पांव भगवान के मंदिर पर 60 करोड़ लगाकर किस तरीके से जो संभावनाएं आपके मन में आती है और जो संभावनाएं संभव हो सकती हम आपके साथ है। कोई देश का ऐसा मंत्री नहीं जो जिस संभावनाओं को हम कहें उस संभावनाओं को टाले, लेकिन हमें विचार विमर्श करना, हमें विचार देने, आपका काम विचार देना, सुझाव देना, उन विचार और सुझाव के आधार पर मेरी कोशिश होगी कि मैं राज्य की सरकार से भी बात करूंगा, केंद्र की सरकार से भी बात करूंगा और उसके एक बेहतर और अपेक्षित परिणाम आए, इसके लिए हम निश्चित रूप से विचार कर रहे हैं। और पर्यटन के क्षेत्र के अंदर भी हम आगे बढ़े इसके लिए विचार कर रहे हैं। आने वाले समय के अंदर जितने भी सेक्टर हैं उन सेक्टरों पर हम सबको विचार करने की आवश्यकता है। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि जितने भी इंडस्ट्रीज के इलाके हैं जो सरकार ने डेवलप करने का प्लान किया है, चाहे रामगंज मंडी की तरफ हो चाहे लाखेरी की हो, उन सबके लिए इंडस्ट्री सेक्टर और इंडस्ट्री हाउसों से चर्चा करें। आप तो जानते हो कि जो इंडस्ट्रीज लगाना वाला है वो कई तरह के राज्य सरकारों से नेगोशिएशन करता है। आजकल राज्य सरकारें भी कई तरीके के नेगोशिएशन के अंदर कंपटीशन है राज्य सरकारों के अंदर भी कि मेरे यहाँ इंडस्ट्री लगे, इसके लिए राज्य सरकार जो ज्यादा राज्य सरकार रियायतें देती है इंडस्ट्रीज वाला भी वहां पर ही जाता है। इसलिए मैंने राज्य सरकार से भी कहा है कि हमारा पैकेज ऐसा होना चाहिए कि अन्य राज्यों से बेहतर पैकेज होगा तो इंडस्ट्रीज वाला अपने पास आए। कोई संभावना थी एयरपोर्ट नहीं था तो भी जेके आई, डीसीएम आई, आईएलआई सब संभावनाओं पर आए। ऐसा नहीं कि एयरपोर्ट से ही सारी इंडस्ट्रीज आती है, जब इंडस्ट्रीज नहीं थी, रोड कनेक्टिविटी बेटर नहीं थी तो भी इंडस्ट्री आती। इसलिए हमें एक बेहतर पैकेजिंग करना पड़ेगा, एक अच्छे पैकेजिंग के साथ उनको लगना चाहिए कि हम इंडस्ट्रीज को जा रहे हैं
तो इंडस्ट्रीज के अंदर जो भी संभावनाओं के साथ साथ एक अच्छा वातावरण मिले। और मुझे आज खुशी है कि राजस्थान में नहीं पूरे देश में औद्योगिक क्षेत्र में एक अच्छा वातावरण बन चुका है। अब यूनियनों का युग समाप्त हो चुका है, कोई यूनियनों के कारण हमने फैक्ट्रियों को बंद होते हुए देखा, अब यूनियनों का युग समाप्त हो गया है। लोग मजदूर और मालिक भी दोनों मानते हैं कि जब तक हम मजदूर को उसका भागीदार का हिस्सा नहीं बनाएंगे, हम इंडस्ट्री नहीं चला सकते। तो एक समय अच्छा है, इन समय पर हमें जो भी हमारी संभावना है, जो भी आपके मन में विचार आते हैं, समय समय पर उन विचारों से मुझे अवगत कराएं। मेरी कोशिश होगी कि आपके विचारों के आधार पर हम कोटा को कैसे विकास कर सकते हैं। और सबका मन होता है, मैं मुझे कोई दिल्ली में हूं तो मैं ऐसा तो नहीं हूं भविष्य में कोटा में, तो मेरा घर भी कोटा है। मैंने चाहे जयपुर रहूं चाहे दिल्ली रहूं, लेकिन मेरा घर तो हमेशा कोटा रहेगा और मेरी धरती से प्यार हमेशा व्यक्ति को रहता है। यही रहना है, यही सब कुछ करना है, सामाजिक राजनीतिक जीवन के अंदर सब कुछ इसी शहर में करना है। तो हर व्यक्ति की इच्छा रहती है कि उसका शहर, उसका संसदीय क्षेत्र देश के अंदर प्रगति करे। हम कोई से कंपटीशन नहीं करते, किसी का हक नहीं मारते, क्योंकि किसी के हक मारने का मेरी जिम्मेदारी नहीं हो सकती। मेरे लिए तो सभी 543 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट समान है और ये प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए कि अपने अपने संसदीय क्षेत्र में बेहतरीन काम करे, अच्छे काम करे, संवेदना के साथ काम करे। और मुझे मेरे शहर पर गर्व है कि कभी भी कोई संकट आपदा विपत्ति आती है तो एक जीवंत शहर की तरह आप सब लोगों की मदद करते हो, संवेदना के साथ मदद करते हो। समाज के अंदर जब भी अभाव वंचित गरीब व्यक्ति को देखते हैं आप मदद के लिए आगे हाथ फैलाते हो। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।